पश्चिम बंगाल में डॉक्टर से हैवानियत के बाद पूरे देश में गुस्सा है, डॉक्टरों में आक्रोश है, लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या मामले में अब नया मोड़ आ सकता है। पीड़िता के माता पिता ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आशंका जताई कि अब मामले में सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में कोई बड़ा व्यक्ति शामिल है। इस पर सीपी विनीत गोयल ने भी उनकी सारी बातें नोट कर ली। राज्य के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। वहीं घटना की जांच के लिए आरजी के चिकित्सा विभाग के प्रमुख और सहायक अधीक्षक को मंगलवार को लाल बाजार थाना बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 11 बजे तक लाल बाजार थाने में पेश होने का आदेश दिया गया। दरअसल मृतक डॉक्टर के माता पिता ने बताया कि उन्हें शुक्रवार सुबह आरजी कर अस्पताल के सहायक अधीक्षक का फोन आया। उन्होंने फोन पर कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लड़की के पिता और माता ने बताया कि मामला संदिग्ध है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मृतक बच्ची के माता पिता से करीब 45 मिनट तक बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों को दंडित किया जाएगा। इस घटना पर ममता बनर्जी ने शुरू से ही कड़ा रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने दोषियों को मौत की सजा जैसी कड़ी सजा देने की मांग की है। अब इस मामले में ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि वहां नर्सें थीं, उनके पास सुरक्षा गार्ड थे। अब भी सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। उनके माता पिता ने मुझे बताया कि अंदर कोई था, यदि किसी पर संदेह हुआ तो पूछताछ की जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस जांच की अंतिम समय सीमा भी तय कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर रविवार तक घटना नहीं सुलझी तो वह मामले को सीबीआई को सौंप देंगी, लेकिन सीबीआई की सफलता दर अच्छी नहीं है, ऐसा ममता बनर्जी का दावा है। महिला डॉक्टर की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या किए जाने का संकेत मिला है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। उसने बताया कि आत्महत्या की संभावना से भी इनकार किया जा सकता है और अब ताला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। चार पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार महिला के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून आ रहा था, चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। पीड़िता के पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ, अनामिका और होंठों पर भी चोट के निशान पाए गए। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराध तड़के 3 बजे से 6 बजे के बीच हुआ है। उन्होंने कहा कि उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पहले उसका गला घूंटा गया। उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हमें अपराधियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी भी सख्त हैं, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।